ये किस्सा है यूपी के लखीमपुर खीरी जिले का। यहाँ एक सेमल के पेड़ से लाल रंग का पदार्थ निकलने से इलाके में कौतूहल मचा हुआ है। लोग इसे पेड़ से खून निकलने की घटना मान रहे हैं। ये देखने वालों का तांता लगने लगा है। वहीं कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार मानकर पूजा पाठ करवा रहे हैं। धौरहरा क्षेत्र के रेहुआ गाँव में किसान सतीश वर्मा अपने खेत में लगा सेमल का पेड़ काटने पहुँचे। सतीश ने पेड़ पर कुल्हाड़ी से कुछ ही वार किए थे कि पेड़ की कटान वाली जगह से लाल रंग का द्रव बहने लगा। लाल रंग का द्रव देख सतीश खून समझकर हैरत में पड़ गया। सतीश इतना घबरा गया कि वो बेहोश हो गया। होश में आने के बाद सतीश गांव पहुंचा और लोगों को पूरा वाकया बताया। जंतु और वनस्पति विशेषज्ञ का कहना है कि पेड़ों में रेजीन नाम का एक पदार्थ निकलता है और ये रासायनिक अभिक्रिया से लाल रंग का हो गया होगा। प्रकृति खुद मनुष्य को पेड़ काटने से रोकने को कह रही है। अब लोगों को समझ जाना चाहिए इसी बहाने ही सही। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।